नमस्कार। आज हम दंड अभ्यास करेंगे। दंड अभ्यास के विविध जो प्रयोग है उसका अभ्यास करेंगे। सबसे पहले दंड कैसे पकड़ा जाता है, तो आपके लेफ्ट हैंड में ऐसा इस प्रकार से रोटेट करके इस प्रकार से खड़े होना है। इसको भुज दंड हम लोग कहते हैं। ये हुआ भुज दंड, और इसमें आरंभ दक्ष दोनों स्थिति हो सकती है। इसमें संचलन नहीं हो सकता, इसमें हम लोग चल नहीं सकते, इसलिए चलने के लिए दंड स्कंध पर लिया जाता है। तो स्कंध मतलब कंधा, तो स्कंध पर लेने के लिए उसकी विभागशः में आज्ञा ऐसी आएगी कि स्कंध विभागशः एक, हाथ नीचे से आएगा, एक दो तीन चार, ये स्कंध की स्थिति हो गई। इसमें हम लोग प्रचल कर सकते हैं, और अगर लंबा चलना है तो स्कंध बदल भी कर सकते हैं। स्कंध बदल सिर्फ इस प्रकार ही करना है, और स्कंध से फिर से भुज दंड आने के लिए फिर से वही क्रमांक होंगे, एक दो तीन चार, ये हो गया स्कंध और भुज दंड। अभी अगर आपको योगा या फिर अन्य कोई प्रयोग करने हैं जिसमें दंड की आवश्यकता नहीं है, तो दंड जमीन पर रखना होगा, उसके लिए स्थल दंड बोलते हैं। तो स्थल दंड का अभ्यास, स्थल दंड का आज्ञा इस प्रकार से होगी, एक, इस बार हाथ ऊपर से आएगा, एक दो तीन चार। अभी आप योगासन या फिर अन्य प्रयोग कर सकते हैं। अभी फिर से स्थल दंड से फिर से भुज दंड में जाने के लिए, एक दो तीन चार, ये फिर से भुज दंड में हम लोग आ गए। इसमें आरंभ और स्वस्थ भी हो सकता है। तो अभी क्रमिका का अभ्यास और प्रहार क्रमिका और आदि प्रयोग सीखेंगे।